दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने विदेश में बैठकर अपना गिरोह चला रहे गैंगस्टर कपिल सांगवान और नंदू गिरोह के सक्रिय सदस्य योगेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी जनवरी में फरीदाबाद में हुई सूरज भान उर्फ बल्लू पहलवान की हत्या में शामिल था और हत्या करने के बाद दुबई भाग गया था। आरोपी के विरुद्ध लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। 26 मई को दुबई से भारत वापस आते समय स्पेशल सेल की टीम ने उसे मुंबई हवाई अड्डे पर ही रोककर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी योगेश बल्लू पहलवान की हत्या के साथ ही हथियार तस्करी के मामले में भी वांछित था। स्पेशल सेल की डीसीपी ने बताया कि इंस्पेक्टर शिव कुमार और इंस्पेक्टर सतीश राणा की टीम ने 4 फरवरी को मध्य प्रदेश के अंकित मिश्रा और जितेंद्र राजपूत को 12 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों से पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि हरियाणा के जिला झज्जर के रहने वाले योगेश नाम के व्यक्ति को पहुंचाई जानी थी। इसके बाद योगेश को पकड़ने और उसकी गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए छापेमारी गई। सेल को जानकारी मिली कि योगेश कपिल सांगवान और नंदू गिरोह से जुड़ा है। योगेश की आपराधिक गतिविधियों के आगे की जांच से जनवरी 2024 में फरीदाबाद में सूरज भान उर्फ बबलू पहलवान की हत्या के साजिश में उसकी संलिप्तता का पता चला। दिल्ली के नसबगढ़ के दीनपुर गांव का रहने वाला सूरज भान उर्फ बबलू पहलवान व्यायाम करने के लिए फरीदाबाद सेक्टर 11 जिम में आया था। 30 जनवरी 2024 की शाम जब वह जिम से बाहर आ रहा था तभी कार सवार बदमाशों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।